हालात देखिए इस आज के दौर के, इस आज के इंडिया के हालात देखिए कि बच्चों को इस तरीके से अपने स्कूल की ओर जाना पड़ता है। हालात खराब है क्योंकि ये सड़क और साथ ही साथ ये मकान और साथ ही साथ ये हरियाणा हाई स्कूल कभी भी इस नाले में डह सकता है। जिस प्रकार मेयर के पास जा चुका हूँ, मैं IOW के पास जा चुका हूँ, वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। मेयर कहता है कि हम कर देंगे एक महीने के बाद, 3 महीने हो गए मेयर के पास जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, वो बस मीठी गोली दे के तोड़ देता है। इस मदन चौहान जी सोए हुए हैं, उनको जाग जाना चाहिए, नहीं तो जनता उनको घर से निकालने वाली है जल्दी। आप हाथ जोड़िए, और जोड़ने भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपने वोट दिया है, क्योंकि आपने वोट उस दिन के लिए दिया था कि आपको एक अपनी नालियों का, अपनी गलियों का, अपनी सफाई का और अपने सीवरेज साफ कराने के लिए इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के हाथ जोड़ेंगे। बाबूजी हमारी, हमने वोट दिया है, बाबूजी हमारी गली को ठीक कर दीजिए। और यही हाल रेलवे, ये मेयर साहब इसी जिस समय इस सड़क के हालात धंसने से क्रैक आ गए थे, पर लेकिन उस समय ये मेयर मदन चौहान जी यहाँ पर आकर वादा करके गए थे। कितने दिन में वादा कर रहे हैं? ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ जी, मैं हर महीने में 3 दफ़े उनके पास जाके आता हूँ, सभा लगती है बड़ी अपना वीरवार और शुक्रवार को, मीठी गोली दे के तोड़ देते हैं। राजनीति में झूठ का चलन चल गया, राजनीति में वो चलन चल गया कि आओ और जनता को कुछ भी लारे लगाओ, उनका बेवकूफ बनाओ और चले जाओ। मैं मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कल को वो ये कहते हैं कि इलाका हमारे अंदर नहीं आता, रेलवे के अंदर आता है, तो आप 3 महीने पहले यहाँ आते हैं, पूरी गुरुद्वारा कमेटी यहाँ इकट्ठी होती है, वो आपको अपनी समस्या बताते हैं और आप उनको बार बार उनको लारा लगा कर चले जाते हैं। इसी हालत में IOW के पास 2 दफ़े गए हैं, 1 दफ़े IOW ने जवाब दिया कि मैंने आदमी भेज दिया है, उसके बाद में कोई आदमी यहाँ नहीं आया, फ़ोटो खींच के चला गया। उसके बाद में दोबारा हम गए कि भाई IOW साहब आप अपना नाम बता दीजिए हमको, तो कहने लगा मेरे नाम का आप अचार डालोगे क्या? आप ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोल के हमें वहाँ से हम वापस आ गए। अच्छा नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के गुरु तेग बहादुर नगर वार्ड नंबर 19 से, जहाँ के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं तो हालात काफ़ी खस्ता है। सामने से दे सकते हैं यहाँ पर हरियाणा हाई स्कूल है, और दूसरी ओर ये सड़क के हाल देख सकते हैं कि ये जो सड़क यहाँ पर बनी थी उसके क्या कुछ हालात हो चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए गए और पर लेकिन ये विकास की लहर जो है यहीं तक ही, नाले तक ही सीमित रह गई। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं किस तरीके से यहाँ पर स्कूल की तरफ आते हैं। ये हालात जब मेयर मदन चौहान को मोहल्ले वालों ने बताया, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, हालात देखिए इस आज के दौर के, इस आज के इंडिया के हालात देखिए कि बच्चों को इस तरीके से अपने स्कूल की ओर जाना पड़ता है। हालात खराब है क्योंकि ये सड़क और साथ ही साथ ये मकान और साथ ही साथ ये हरियाणा हाई स्कूल कभी भी इस नाले में डह सकता है। जिस प्रकार सामने ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं, यहाँ के आसपास के लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरुद्वारे के प्रधान जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सोन सिंह है और मैं इस गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा बाबा अमर सिंह का प्रधान हूँ। राजनीति में एक झूठ का चलन चल गया, राजनीति में वो चलन चल गया कि आओ और जनता को कुछ भी लारे लगाओ, उनका बेवकूफ़ बनाओ और चले जाओ। मैं मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कल को वो ये कहते हैं कि ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता, रेलवे के अंडर आता है, तो आप 3 महीने पहले यहाँ आते हैं, पूरी गुरुद्वारा कमेटी यहाँ इकट्ठी होती है, वो आपको अपनी समस्या बताते हैं और आप उनको बार बार उनको लारा लगा कर चले जाते हो। मेयर के पास जा चुका हूँ, मैं IOW के पास जा चुका हूँ, वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। मेयर कहता है कि हम कर देंगे 1 महीने के बाद, 3 महीने हो गए मेयर के पास जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, वो बस मीठी गोली दे के तोड़ देता है। इसी हालत में IOW के पास 2 दफ़े गए हैं, 1 दफ़े IOW ने जवाब दिया कि मैंने आदमी भेज दिया, उसके बाद में कोई आदमी यहाँ नहीं आया, फ़ोटो खींच के चला गया। उसके बाद में दोबारा हम गए कि भाई IOW साहब आप अपना नाम बता दीजिए हमको, तो कहने लगा मेरे नाम का आप अचार डालोगे क्या? ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोल के हमें वहाँ से हम वापस आ गए। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखा रहे थे, तस्वीर मेरे को दिखाइए जरा, यहाँ पर कौन महाशय जी आए थे? यहाँ मेयर आए थे जी। मेयर आए थे? हाँ। क्या कुछ बड़ी बड़ी ढींगे मार कर? मेयर है मेरे को ये शासन दे के गए थे कि ये स्कूल करके हम जल्दी से जल्दी बनवा देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए वो कोई सुनाई नहीं देता। हम बार बार उनकी सभा लगती है, वहाँ पर जाके भी बोलते हैं, बस मीठी गोली दे के तोड़ देते हैं जी। अगर उनके बस का नहीं है तो वो मना भी कर सकते हैं? अगर वो नहीं है बस का तो जवाब तो दें, हम आगे कार्रवाई करेंगे।
तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं और यहाँ पर मेयर साहब भी आकर गए थे, उनकी भी मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेयर साहब इसी जिस समय इस सड़क के हालात धंसने से क्रैक आ गए थे, पर लेकिन उस समय ये मेयर मदन चौहान जी यहाँ पर आकर वादा करके गए थे। कितने दिन में वादा कर देंगे? ये कहा था कि एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ जी। मैं हर महीने में 3 दफ़े उनके पास जाके आता हूँ, सभा लगती है बड़ी, अपना वीरवार और शुक्रवार को मीठी गोली दे के तोड़ देते हैं वो। बस क्या कुछ परेशानी है, बारिशों का मौसम भी शुरू हो जाता है। अब बारिश में बच्चे स्कूल जाते हैं, देखो राजस्थान में हालत है। ये पहले थोड़ा था, ये बारिश की वजह से पानी अंदर घुसता है, पाइप टूटे हुए हैं। ये गुरुद्वारे का मकान है, हमने खाली कराया है। इसमें सेवादार रहता था, उसके छोटे छोटे बच्चे मैंने खाली करा के उसको गुरुद्वारे में जगह दी है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रधान के नाते भी जल्दी तो जल्दी इसका हल सोचा जाए। तो फिलहाल इसका हल सोचा जाए, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मेयर मदन चौहान जी ने यहाँ पर खड़े होकर, हाँ जगह यही है जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, यहीं पर खड़े होकर उन्हें आश्वासन दिया मोहल्ले वालों को कि मात्र 1 महीने के अंदर आपके यहाँ का सुधार हो जाएगा। खतरा है, जान का खतरा है, घर ढहने का खतरा है। यहाँ पर गगन जी खड़े हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। गगन जी क्या कुछ कहेंगे, हालात ख़राब हैं, मेयर साहब को क्या लग रहा है अगली बार वोटों में नहीं खड़े होना? हमें गुरुद्वारा जो कमेटी के लोग हैं, इन्होंने हमें कल बुलाया था, इन्होंने हमें बताया था कि 26 जून जिस दिन संक्रांत थी, इन्होंने मेयर को बुलाया, इन्होंने यहाँ पर उनको बताया कि यहाँ पर ये स्कूल भी गिर सकता है, ये गुरुद्वारे का मकान है, यहाँ पर सेवादार रहता था, ये भी खाली करवा लिया गया है मकान भी सेवादार से, क्योंकि ये मकान भी कभी भी गिर सकता है और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबसे चिंता का विषय तो ये है, अगर ये स्कूल गिर गया तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मेयर मदन चौहान जी को इस बारे में सोचना चाहिए, बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं नाले में। मदन चौहान जी सोए हुए हैं, उनको जाग जाना चाहिए, नहीं तो जनता उनको घर से निकालने वाली है जल्दी। तो वो तो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते अब दोबारा मेयर, शायद इसी करके इनको मीठी गोलियां दे रहे हैं। उनको लग गया है पता कि ये जो मेयर की सीट है ये एससी के लिए रिजर्व हो चुकी है, अब क्या फायदा, अब मेरा नंबर तो आने नहीं वाला मेयर में, तो छोड़ो परे जनता के काम क्या करने। लोग तरही माम कर रहे हैं, शहर के लोग कर रहे हैं, सफाई नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, खड्डे खड्डे हैं, बेशरम है, एक नंबर का आदमी बेशरम मेयर मदन चौहान जी। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें, लोग काफी परेशान हैं और भी कुछ लोग हैं कि कितना प्रयत्न किया इसको बनवाने। हाँ जी, असी कम से कम 3 बारी गए हैं, जो उसे मेयर ते लगते हैं जी, उन्होंने नाल दी नाल सड़को पटवारी ते एक्सीएन ते अपना जेई भेजा जी, नाल मेसन भी भेजा, कहने दीवार बनाएगा जी। 3 महीने हो गए, उसने गोलियां दे दे के भेजी जा रही, बस उसका कोई मतलब नहीं जी, ये चाहे गिरे चाहे इन्ना नुकसान होता। देखो स्कूल का कितना हो है जी, एक बिल्डिंग गिरन वाली है, इधर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है, ये भी गिरन वाली है जी। इन्हों के सिर पर कोई जू नहीं रिंगते, जिन्ना मर्जी इन्हों कह लो, असं 20-20 बंदे लगे गए हैं, जनानियां भी गई हैं, इन्हें कोई असर नहीं जी होया। तो एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, सामने कमरा बना हुआ है गुरुद्वारे का, इसकी दीवार में देख सकते हैं कितनी तरेड़े आ चुकी है, इसका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। फिलहाल सामने तस्वीरें देख सकते हैं और नाले के हालात ख़राब हैं और सड़क जो है अब यहां पर लैंडस्लाइड की तरह, जिस तरीके से पहाड़ों से लैंडस्लाइड होती है, इस तरीके से खिसकना शुरू हो गई है। यहाँ पर सुमित पाल जी हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, ये जो आज कुछ हो रहा है ना, ये इसका नतीजा कि राजनीति में एक झूठ का चलन चल गया है। राजनीति में वो चलन चल गया कि आओ और जनता को कुछ भी लारे लगाओ, उनका बेवकूफ बनाओ और चले जाओ। मैं मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कल को वो ये कहते हैं कि ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता, रेलवे के अंडर आता है, तो आप 3 महीने पहले यहाँ आते हैं, पूरी गुरुद्वारा कमेटी यहाँ इकट्ठी होती है, वो आपको अपनी समस्या बताते हैं और आप उनको बार बार उनको लारा लगा कर चले जाते हैं। और मुझे ये दुख हो रहा है, प्रधान जी बुजुर्ग आदमी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 महीने से इनको फ़ोन कर करके परेशान हूँ, इनके ऑफिस में जा रहा हूँ, जो ये हर थर्सडे और फ्राइडे जनता को मिलके समस्याएं सुनते हैं, वहाँ जाके अपनी बात रख रहा हूँ, लगातार उनको लारा लगाया जा रहा है। अभी प्रधान जी ने ये बात बताई कि रात भी मेरी मेयर साहब से बात हुई है, रात भी यही लारा लगाए। अरे यार, कम से कम आप स्पष्ट कर दो, जो चीज़ आपके अंडर आती है आप स्पष्ट करो, नहीं तो उनको अगला रास्ता बताओ, क्यों जनता का पागल बना रहे हैं। तो जी राजनीति में जो चलन एक चल गया ना, कि जनता के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जब चुनाव आएंगे तो लोगों को कभी धर्म के नाम पर बांटकर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटकर, कभी जाति प्रांत भाषा के नाम पर बांटकर वोटें तो हम ले ही लेंगे, हमें जनता के दुख दर्द का हमदर्द बनने की क्या जरूरत है। ये चलन राजनीति में आज चल गया, जो वाकई में दुखदाई है, दर्द है, जिसको समस्या का निवारण होगा।
देखिए, हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारी सारी टीम लगातार पिछले काफ़ी समय से, जिसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है, प्रेस के साथियों का, संयम भाई आपका, मोहित भाई आपका, आपने भी, हमारी अकेली की आवाज़ कुछ नहीं है, आप सब मिलकर हमारी आवाज़ जब उठाते हैं और जनता हमारे साथ आती है तो हमें पूरा विश्वास होता है कि हाँ, हर समस्या का हल होगा। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता से जुड़े जितने भी बुनियादी इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाए, उनको लोगों की बातचीत का हिस्सा बनाया जाए, तो इस पे भी हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमारी टीम जब तक ये मुद्दा हल नहीं होता चैन से नहीं बैठेगी। जहां भी इन लोगों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी होगी, कंप्लेंट करनी होगी, हम हर उस जगह इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अंकल जी, अच्छा एक बात बताइए, रात को बताया भाई ने कि आपने फ़ोन किया था, किस तरीके से उन्होंने क्या पहचान पाया? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, पहले तो मेरे को पहचाना नहीं, जब मैंने गुरुद्वारे का बोला भी, मैं गुरुद्वारे का प्रधान बोल रहा, फिर बोला हाँ आ गई मेरे याद आ गई है, इसका हल सुबह होगा। मैंने कहा हुआ आदमियों को इसका हल सुबह होगा, हल होना कोई सिर्फ मीठी गोली देने का काम है उनका। उसके बाद में फिर वही, मैं हर उनकी अटेंड करता हूँ, वीरवार शुक्रवार हमेशा जाता हूँ वहाँ पर, दो चार आदमी लेके, वो यही कह देते हैं सरदार जी आपको बोल तो दिया है कि हो जाएगा काम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब होगा, जब कोई आज बच्चा गिर के ख़त्म हो जाएगा या कोई आदमी गिर के या ख़त्म हो जाएगा? मैंने तो अपना सेवादार यहाँ से उठा के गुरुद्वारे में कमरा दे दिया उसको, गुरुद्वारे की जगह है ये, गुरुद्वारे का कमरा है ये देखो कैसे गिरने वाला है। लेकिन अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, वोट मांगने के लिए आते हैं तब तो ये कहते नहीं हमें अगली बार दे देना, तो ये अगली बार लारा क्यों लगाते हैं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कह तो दिया, इसे ये कोई तमीज होती है किसी बुजुर्ग से बात? अब देखो, हमें तो कहना ही है ना, हमने तो उनको कहा, हाथ जोड़ के कहा, भाई आप जाके खुद आके, या 26 तारीख को संक्रांत वाले दिन वो सारा कुछ देख के गए, और मेरे से उन्होंने वादा किया था कि एक महीने के अंदर सरदार जी ये हो जाएगा, ये स्कूल का काम है। लेकिन 3 महीने हो गए, फिर भी रात को फ़ोन किया, उसने मीठी गोली दे दी बस। अब आपको लगता है कि काम होगा ये? बिल्कुल, हमें तो कोई विश्वास नहीं, हमें तो आपके ऊपर विश्वास है कि आप हमारा काम करवाएंगे। तो फिलहाल हाथ जोड़िए, और जोड़ने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वोट दिया है, क्योंकि आपने वोट उस दिन के लिए दिया था कि आपको एक अपनी नालियों का, अपनी गलियों का, अपनी सफाई का और अपने सीवरेज साफ कराने के लिए इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के हाथ जोड़ेंगे। बाबूजी हमारी, हमने वोट दिया है, बाबूजी हमारी गली को ठीक कर दीजिए। और यही हाल रेलवे का भी है, अगर कोई जिम्मेवार होता तो कौन होता? क्या नगर निगम, अगर मेयर मदन चौहान जी इनको यहाँ पर बड़ी बड़ी ढींगे मार कर ना गए होते तो आज ये इन रेलवे वालों के पास जाते और उनसे रिक्वेस्ट करते, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस तरीके से बातचीत करना कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब की बार जो है आपके विकास के नारे को जो है, विकास ही आखिर आप लोगों से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार आप लोग जो हैं, मैं सभी से अपील करूंगा, आप लोग जो है लगातार लोग हाथ जोड़ते आए हैं, अधिकारियों के पास हाथ जोड़े हैं, आप लोगों ने मेरी सफाई करवा दो। क्या उस दिन के लिए आपने वोट दिया था कि हमारी सफाई करवा दो? आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर इतने परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? क्यों इनकी छोटी सी समस्या को लेकर हल नहीं दिखाई दे रहा? फिलहाल मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।